गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू COVID-19 वी कैन नॉट प्रोवाइड यू डायरेक्टली क्लासेस, सो आवर इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू प्रोवाइड यू ऑनलाइन क्लासेस। अकॉर्डिंगली यू फॉलो द क्लास एंड रीड माइंडफुली। स्टैंडर्ड टू की कंप्यूटर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ए ह्यूमन बॉडी हैज मैनी पार्ट्स सच एज हेड, हैंड्स, लेग्स, फेस, हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। ऑल द पार्ट्स carry out important functions. Together they make the body work. Like our body, a computer too has many parts. Altogether, these parts make the computer system. A computer is a smart machine which has four main parts, जैसे कि monitor, CPU, keyboard and mouse. Let us learn about the four main parts of a computer. A human body has many parts. जैसे कि human body में बहुत सारे part होते हैं, वो जैसे head, hand और leg, face, heart, lungs, वो सब मिलकर एक साथ में काम करते हैं और body के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बॉडी फंक्शन के लिए। उसी तरह से भी कंप्यूटर और उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनमें से चार पार्ट जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कि मॉनिटर। ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन। मॉनिटर, मैं पहले से भी बता चुकी हूँ, मॉनिटर टीवी स्क्रीन के जैसे लगती है। इट इज शोज द टेक्स्ट टाइप्ड इन एंड डिस्प्ले द आउटपुट व्हिच इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। वो सॉफ्ट कॉपी में निकलती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीडियो, जैसे कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। मॉनिटर यहाँ पर थ्री टाइप्स लिखा गया, जैसे कैट CRT लिखा गया, कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड LED लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। CRT मॉनिटर्स आर बिगर इन साइज एंड यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। LCD इज ए फ्लैट टाइप ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन दैट यूजेस लेस इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कम लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद LED लाइट एमिटिंग डायोड। LED इज द लेटेस्ट टाइप ऑफ मॉनिटर्स। दे आर ऑल्सो फ्लैट मॉनिटर्स एंड यूज लेसर पावर देन CRT और LCD। उसके बाद टाइप्स ऑफ आउटपुट इन ए कंप्यूटर। जैसे कि दो तरीके होते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। ए हार्ड कॉपी इज द आउटपुट दैट यू कैन टच लाइक प्रिंट द आउटपुट ऑन ए पेपर एंड दैट विल बी हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी, ए सॉफ्ट कॉपी इज द आउटपुट व्हिच यू कैन नॉट टच लाइक द आउटपुट यू वी ऑन द व्यू ऑन द मॉनिटर। उसके बाद क्या है, कीबोर्ड। ए कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स व्हिच आर कॉल्ड कीज। इट इज यूज टू टाइप्स लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। इट इज यूज टू फीड डाटा इन पे कंप्यूटर एज इनपुट। वो पहले से भी मैं बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, कीबोर्ड में सहज 104 कीज होते हैं। और उनमें से क्या होता है, हम लेटर टाइप करते हैं, वाल लिखते हैं और डाटा उसमें भी इनपुट करते हैं। उसके बाद क्या है, CPU। CPU इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर। इट हैज़ ए लार्ज मेमोरी व्हिच हेल्प्स इट टू रिमेंबर थिंग्स। CPU, मैं पहले से भी बता चुकी हूँ, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर की ब्रेन कहते हैं। जो जितने सारे भी कंप्यूटर में काम होते हैं उसकी मास्टरमाइंड वही CPU होती है। और वो सब कुछ क्या करता है, रिमेंबर रखने के लिए उसे हेल्प करती है। द CPU इज केप्ट इनसाइड ए केस। दिस इज कॉल्ड ए CPU केस और CPU बॉक्स। ये जो पास में है इसे CPU और यहाँ पर CPU बॉक्स भी होती है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट्स द CPU केबल, कनेक्ट द मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस टू द CPU। द पावर केबल कनेक्ट्स द CPU टू द पावर सप्लाई। उसे पावर सप्लाई के लिए उसके केबल कनेक्ट होती है। ए CPU हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। उनमें से CPU में थ्री मेन पार्ट होते हैं,
दीज आर मेमोरी यूनिट, जिससे कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस। उसे फिर बाद में जब पढ़ेंगे उसके बारे में हम एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। उसके बाद माउस, एक कंप्यूटर माउस हैज टू और मोर बटन्स ऑन इट। कंप्यूटर माउस में दो बटन होती है, टू और मोर बटन्स, दो और उससे भी ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज टू पॉइंट, मूव एंड सिलेक्ट एनी आइटम ऑन द मोनिटर। उसे क्या करते हैं माउस में, हम कुछ चीज़ों को पॉइंट करते हैं, मूव करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इट हेल्प अस टू प्ले गेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स। माउस के माध्यम में हम क्या करते हैं, पिक्चर ड्रा करते हैं, गेम भी खेलते हैं। When you move the mouse, a pointer also move on the monitor। जब तुम माउस को मूव करोगे उसके साथ उसके पॉइंटर भी क्या होगा, मूव होगा। उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, फिर उसके बाद हम अदर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। Apart from these four main parts, these are some more parts of a computer which can be attached to it for different purpose। उसे वो बहुत चार को छोड़ के और भी कुछ कंप्यूटर में पार्ट है जिसके जरिए में कंप्यूटर काम करती है। जैसे कि प्रिंटर, ए प्रिंटर डिस्प्ले द आउटपुट ऑन ए पेपर। ए प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट और पिक्चर ऑन पेपर। द प्रिंटेड कॉपी ऑन द पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स दैट आर यूज, दे आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। प्रिंटर यहाँ पर तीन तरीके के होते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। उसके बाद क्या है, माइक्रोफोन। ए माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस इनटू द कंप्यूटर। इट इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज टू गिव ऑडियो इनपुट इनटू ए कंप्यूटर। स्पीकर एंड हेडफोन्स, उसके बाद स्पीकर और हेडफोन में फोन की भी काम है कंप्यूटर में। स्पीकर्स अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। दीज आर कनेक्टेड टू द सीपीयू विथ ए केबल। हेडफोन्स आर ऑल्सो यूज टू लिसन टू साउंड इफेक्ट्स फ्रॉम ए कंप्यूटर। यहाँ पर भी पिक्चर दिया गया है स्पीकर की, हेडफोन की, माइक्रोफोन की। उसके बाद आई CD-ROM। CD-ROM stands for compact disc read only memory। CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होता है, compact disc read only memory। ए CD is round in shape and can store a lot of information। इनमें से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। इट इज़ यूज टू लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज एट्सेट्रा। कंप्यूटर से वे CD-ROM ड्राइव दैट प्लेज ए CD। कंप्यूटर में CD-ROM होती है, इसी के उसके वजह से CD चलती है। When you want to play a CD, place it in the tray that pops out when you press the button on the tray। उसके बाद क्या है, UPS। UPS stands for uninterruptible power supply। It is used when there is no power supply in a computer। When you are working on a computer, the data is not stored permanently। Hence, if the power is switched up, your data will be erased from the temporary memory। UPS keeps the computer on for some time so that you can save your work। उसके बाद क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में क्या होता है, ए पेन ड्राइव इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस व्हिच स्टोर्स डाटा परमानेंटली। ए USB पोर्ट इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट इट इन टू ए कंप्यूटर। पेन ड्राइव की भी बहुत कुछ काम है, बहुत चार को छोड़ के, जिस तरह की मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस को छोड़ के और भी बहुत पार्ट है कंप्यूटर में। वो प्रिंटर, जैसे कि माइक्रोफोन, स्पीकर एंड हेडफोन, CD-ROM एंड UPS एंड पेन ड्राइव, ये भी कंप्यूटर के बहुत काम आते हैं। वो भी कंप्यूटर की चीज़ें को याद रखते हैं, हमें हमारे काम को आसान कर देती है। बच्चों, उसे ध्यान से एक बार पढ़ना और ये जहाँ पर जितने सारे भी क्वेश्चन लिखा गया है उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं हुआ तो स्कूल में मैंने डिपॉजिट कर चुकी हूँ, उसे ले जाना और उसे ध्यान से पढ़ना बच्चों और याद रखना। बाय एवरीवन।